नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में हुई किसानों की महापंचायत, हजारों लोग जुटे। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भी दिखी छाप। राजस्थान से भागते हुए मोहाली घुसे दो ड्रग तस्कर, पुलिस ने किए काबू। और सुभाष चावला की चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ताजपोशी, कल हरीश रावत भी रहेंगे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ में भी किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़े। इस महापंचायत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की छाप भी देखने को मिली। कई सिंगर और कई अन्य वर्ग के लोग भी इस महापंचायत में शामिल हुए। बच्चे और महिलाएं भी भारी संख्या में उमड़े। और क्या क्या हुआ महापंचायत में, आइए देखते हैं। पंजाब हरियाणा के बाद अब किसानों ने चंडीगढ़ में भी हल्ला बोल दिया है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है, इसलिए यहां किसानों ने एक महापंचायत का प्रबंध किया, जिसमें करीब 25,000 किसान इस किसान महापंचायत का हिस्सा बने, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जोगिंदर सिंह उग्राहा ने यहां पर किसान महापंचायत को संबोधित किया। वहीं इस किसान महापंचायत में हिंदू सिख मुस्लिम एकता भी देखने को मिली, जहां मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने यहां पर सेवा की और किसान महापंचायत में आए किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की। इस संबंध में जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस आंदोलन के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवादी हैं, क्योंकि इसके चलते हिंदू सिख और मुस्लिम सब एक हो गए हैं। पंजाबी मां बोली नू लेके आज सवेरे काफी लखा 30 सेक्टर तो लेके 22 सेक्टर तक लोगों ने मार्च की और आज ये किसान रैली हो रही है। और मैं समझना कि दोनों का मूल एक है कि जिथे साड़ी जमीन सानू पौष्टिकता दिंदी है, इस करके माँ जमीन कहने, उत्थे बोली जड़ी है वो सानू समझण वास्ते काबिल करती है। अज एक महापंचायत हो रही है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ के पिंडां दी कलोनियां दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੈਣਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। बता दें, चंडीगढ़ में पहली बार किसान महापंचायत हुई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि ये कृषि कानून रद्द किए जाने चाहिए। अज गुरु नानक दी जिहड़ी फिलोसफी सी 20 रुपए दे लंगर, ये 20 रुपए दी लंगर ताकत है जो अज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म सारे इकट्ठे करते, एक स्टेज एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे करते। अज जो चंडीगढ़ महापंचायत चल रही है, ये काले कानून जो मोदी ने बनाए सी उन्हें रद्द करवाने वास्ते आ सारी महापंचायत इकट्ठी हुई है। आ साडी चंडीगढ़ दे विच महापंचायत होने जा रही है जी, आ बहुत वड्डी महापंचायत है। अज दिन तक चंडीगढ़ च कोई महापंचायत नहीं हुई है, ये पहली बार है जिहड़ी महापंचायत चंडीगढ़ दे विच हो रही है, जिन्हों आपां पत्थरां दा कहंदे आ कि पत्थरां दी सिटी है, या कि कहंदे ब्यूटीफुल सिटी ब्यूरोक्रेट्स तों भरी हुई है। इस किसान महापंचायत में काफी लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने सिर्फ एक ही मांग को बार बार दोहराया कि केंद्र की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार को रद्द करना चाहिए और इस किसान महापंचायत का प्रबंध करना भी सिर्फ इस बात का मकसद है कि केंद्र तक यहाँ के लोगों की आवाज पहुँच सके। तीन कानूनों नूं रद्द लैके होई है, तो ये कानून रद्द होने ही चाहिए हैं। तो दूसरा सर, जिहड़ा कानूनों के रद्द का मुद्दा तो है ही है, एक होर मुद्दा है जिहड़ा रूल ऑफ लॉ चेंज इनटू रूल ऑफ द लीडर। तो रूल ऑफ लॉ की कोई चीज़ नहीं रही, रूल ऑफ द लीडर हो गया। तो ये सारी चीज़ है जिहड़ी, ये समाजिक जिहड़ा साडा डिविजनज है उन्हां नूं ना सारे ने मतलब बहुत बड़े पद्धर ते नुकसान करता सोसाइटी का। तो हुण हजे तक गुस्सा है सर सरकार के खिलाफ ही है लोगों का। तो ये सरकार नूं देखना चाहिए कि ये गुस्सा जिहड़ा हैगा है मतलब इस तो वध ना वधे। हालांकि इस दौरान कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। रैली ग्राउंड के एंट्री और एग्जिट गेट पर बैरिगेटिंग की गई थी और काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।
पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां पंजाबियों के गांव उजाड़ कर शहर को बसाया गया था, लेकिन यहां पंजाबी भाषा को उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा। इसी मांग को लेकर आज कई मंचों ने एक साथ मक्खन शाल भवन से लेकर सेक्टर 22 तक रैली की और प्रशासन से मांग की कि चंडीगढ़ में पंजाबी को भी दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाए। इन लोगों ने किसानों के समर्थन में भी आवाज उठाई और कहा कि तीनों किसान बिल शीघ्र वापस लिए जाने चाहिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 के बाबा मखनशाह लुबाना भवन से लेकर सेक्टर 22 तक रोष रैली निकाली गई। इस रैली में पिंटू संघर्ष कमेटी, गुरुद्वारा समूह कमेटी, नौजवान किसान एकता और चंडीगढ़ पंजाबी मंच की तरफ से लोग शामिल हुए। ये रैली चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को पहली भाषा का दर्जा दिलाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर निकाली गई। रैली में लोग पंजाबी भाषा में लिखे पोस्टर और नारेबाजी करते नजर आए। किसान संघर्ष नाल जोड़ते हुए भैनों ते भरावों ते बच्चों कोई होर ना ऊपर आयो, असीं तुहानू बधाई दिंदे आ भी तुसीं पंजाब दे लोकां ने पंजाबी विरासत नूं सांभदिया होया पंजाब दे लोकां दे संघर्ष नूं पंजाब दे बच्चां दे भविख नूं बचाउण दी खातर मोदी दे हमले दा करारा जवाब देण दी खातर सड़कां ते आए हो, मैं थोड़े इस सिदक नूं सलाम करदा। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन तक चंडीगढ़ की पहली और प्रशासनिक भाषा पंजाबी थी, लेकिन जैसे जैसे बाहर के अधिकारी यहां आते गए और पंजाबी भाषा को किनारे लगा दिया गया। लोगों की माने तो चंडीगढ़ को पंजाबी भाषा से जुड़े गांवों को उजाड़ कर बनाया गया है। देखो बहुत ही दुख ना कहना पैंदा है कि जिस पंजाब दे लोकां ने 92% शहीदियां पाईयां इस देश नूं आजाद करन लई, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਈ ਸਾਥੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਣੀ ਉਹ ਖੋਈ ਸਾਥੋਂ, ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ 92% ਸੀਸ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾ ਦਰਜਾ ਦਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਸੇ ਮਾਂਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। लगातार मांग के बावजूद भी इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। दो नशा तस्कर पुलिस की पकड़ से भागते भागते मोहाली में घुस गए, जिनका पीछा कर रही थी राजस्थान पुलिस। मोहाली के पुराने मोहाली गांव में ये तस्कर पैदल ही भागने लगे, जिसके बाद मोहाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर इन दोनों ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ राजस्थान में कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस नशा तस्करों की तलाश में पहुंची मोहाली। मोहाली पुलिस के सहयोग से की राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई। पुलिस को चकमा देकर कार छोड़कर फरार हुए नशा तस्कर गांव मोहाली में गलियों के रास्ते हुए दोनों नशा तस्कर फरार। शातिर तस्कर रास्ते में फेंके डोंगल ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके लोकेशन। राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज है दोनों के खिलाफ नशा तस्करी का मामला।
बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नशा तस्कर जो है चकमा देकर दोनों तस्कर फरार हो गए। राजस्थान के बाड़मेर में इन दोनों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज है और राजस्थान पुलिस नशा तस्करी के इन दोनों आरोपियों की, कथित आरोपियों की तलाश में जो है वो मोहाली पहुंची हुई थी और मोहाली पुलिस के सहयोग से यहां पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन पुलिस की सूचना मिलते ही कार को छोड़कर और रास्ते में डोंगल को फेंक कर ये दोनों तस्कर भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस की तरफ से इनकी तलाश लगातार की जा रही है। पार्टी प्रभारी हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की मौजूदगी में चंडीगढ़ के नव नियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला को कल ताजपोशी करवाई जाएगी। सुभाष चावला इससे पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को मजबूत बनाना ही उनका लक्ष्य रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस समारोह में छावड़ा गुट के लोग शामिल होते हैं या नहीं। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस की ओर से सेक्टर 6 स्थित पंचकुला में सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसपी ट्रैफिक ममता सौदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और उनसे आह्वान किया गया कि वाहन चलाने वाले लोगों को बच्चे जागरूक करें। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज यानी शनिवार को ट्रैफिक नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के मकसद से सेक्टर 6 के सरकारी स्कूल में एक ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को रोटरी क्लब और ट्रैफिक पुलिस पंचकुला द्वारा करवाया गया। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस की ACP ममता सौदा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 6 सरकारी स्कूल में स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जानकारी दी गई और ट्रैफिक नियम की पालना न करने पर होने वाले नुकसान के प्रति भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज SHO सुखदेव सिंह ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के 10 नियम बताए, जिससे सड़क पर चलते समय प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित तौर पर ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए वाहन चला सके। बाइट ममता सौदा, देखिए ट्रैफिक के रूल्स जिस तरह से फॉलो करने चाहिए अभी हमारे यहाँ पे इस तरह से फॉलो नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत भी है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए करना है कि आप अपनी खुद को बचा सकें और जो सामने वाला है उसको भी बचा सकें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी अपने लिए है उतनी ही दूसरों के लिए भी है, तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, उनको स्ट्रिक्ट भी इसलिए किया गया ताकि आप उसे फॉलो करें। और जैसे ये छोटे बच्चे हैं, जैसे ये 18 साल के होते हैं तो उसके बाद व्हीकल वगैरह चलाना शुरू करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता कि ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी हम व्हीकल जब चलाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अभी से इनको एजुकेट करना शुरू करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ये बेटर डिसिप्लिन में रहेंगे और रोड एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है रोटरी क्लब की तरफ से कि वो इस तरह से हमारे जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड। इसमें हमारी ट्रैफिक की टीम भी हमारे साथ है जो कि सभी बच्चों को बिल्कुल माइन्यूटली ये बताएगी कि रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और मेरा सभी पंचकुला वासियों से ये आह्वान भी है कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वो आपके लिए और दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक मशवरा भी है कि आप ट्रैफिक रूल्स को प्लीज़ फॉलो करें और उनका पूरी तरह से पालन करें ताकि आपको कोई भी जुर्माना ना भरना पड़े। इस दौरान ACP ममता सौदा ने कहा कि अगर सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करेंगी तो किसी भी हादसे से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के CTV चंडीगढ़। सेक्टर 25 में रहने वाले शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर यहां एक गरीब बच्ची की शादी की है। सारा खर्चा शिवसेना के इन कार्यकर्ताओं ने उठाया क्योंकि उस परिवार के पास रहन और वहन का भी खर्च नहीं था। गरीब होना भी एक अभिशाप जैसा है, क्योंकि जब एक गरीब परिवार को अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो उस समय पैसा नहीं होता हो तो उस समय लड़की और उसके माँ बाप सभी की आंखों में आंसू झलक रहे होते हैं। लेकिन आज के दौर में भी भला करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य चंडीगढ़
चंडीगढ़ सेक्टर 25 में हुआ, जहां एक गरीब परिवार के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक भी रुपया नहीं था। वहीं अपने घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। इसी दौरान उसी सेक्टर 25 में रहने वाले शिवसेना हिंदुस्तान के प्रधान बलविंदर और उनके साथी अमित अटवाल के द्वारा लड़की की शादी में डबल बेड, डिनर सेट और सभी के लिए नए कपड़े दिए गए, जिसके बाद लड़की और लड़की के परिवार सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बेड दिया है, कपड़े दिया है, बर्तन दिया है और 1100 रुपये दिया है। किन्होंने दिया है? बलविंदर ने दिया है, हमारी कॉलोनी के आदमी हैं, हमारे पड़ोसी अपने बंदे हैं। शिवसेना के प्रधान हैं बलविंदर, हर कॉलोनी में सबसे अच्छे आदमी हैं, हर बच्चों के शादी में देते लेते हैं, पहले से भी देते हैं, अब भी दिया है। बलविंदर शिवसेना के प्रधान जो हैं, इस लड़की के लिए दान दे करके बहुत अच्छा काम किया है और हम इनकी बढ़ाई करते हैं। परमेश्वर इनके बाल बच्चे परिवार फैमिली को सुख शांति दे और जो कन्या का दान दिया गया है वो कन्या का दान स्वर्ग में कबूल होना चाहिए और फिर आगे चल कर के भी पहले भी देते आए हैं और जब भी इनके यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट जाता है तो ये मदद करती हैं और लड़की के लिए कन्या दान दिया है। हम लड़की के बड़ा ताया हूँ, मैं तह दिल से, दिल की गहराइयों से इन प्रधानों का हम स्वागत करते हैं। वहीं इस गरीब परिवार की मदद करने वाले बलविंदर ने कहा है कि उनकी ओर से अक्सर गरीबों की मदद की जाती है। उन्हें पता चला था कि एक गरीब परिवार के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, जिसके चलते उनकी ओर से उन्हें मदद दी गई। वहीं बलविंदर की मां के चेहरे पर भी खुशी की लहर झलक रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र भी उनके बेटे को लग जाए। देखिए, आज 18 फरवरी को हमारे पास कुछ दिन पहले लड़की के माता पिता आए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप शादी में अपनी टीम के साथ पहुंचना, लेकिन हम कभी भी कोई भी आर्थिक या कोई भी परेशानी वर्ग कोई भी आदमी आता है या जिसकी लड़की की शादी उनके मध्य वर्ग में कोई भी उनको जरूरत होती है किसी भी या कोई सम्मान की या आर्थिक पैसों की या कुछ भी होगी तो हम बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान देते हैं। और मैं तो क्या परमात्मा, हम कहते हैं कि परमात्मा जो हमारे से दान पुण्य करवाता है हम आगे भी करना चाहेंगे। कोई भी अगर मजबूर इंसान कोई हमारे लिए आता है, हमारे पास ही कोई मांग करता है तो हम उसकी मदद अवश्य करेंगे। तो ये सबको मैं भी अपील भी करता हूँ कि कोई भी अगर लड़की कन्यादान जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लोगों को भी कहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें योगदान दें। बहुत खुश हो मेरे बेटे ने, जो मदद कोई मांगा उसका हाथ जोड़ कर सरकार करता है मेरे बेटे पर, जैसा भी पूछेगा हाथ जोड़ कर देगा। मेरे बेटे की मैंने बहुत खुशी है, अगर मेरा बेटा बहुत दान पुण्य कर रहा है, परमात्मा की दात है, इसकी ज़्यादा उम्र देवे, मेरी भी उम्र इसका लग जावे। जैसे कि कहा जाता है कि लड़की का कन्यादान करना बड़े ही पुण्य का काम होता है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब परिवारों की मदद करने में ही अपनी खुशी देखते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब करूँ अपडेट। ट्राइसिटी में शनिवार को भी 79 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्राइसिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 889 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 26 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में 349 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। पंचकुला में आज 23 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं थी। मोहाली में 30 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 382 हो गई है। आपसे भी वही निवेदन कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार हाथ धोते रहें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और मौसम की जानकारी। ट्राइसिटी में आज का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना कम है। रात का तापमान भी और बढ़ सकता है। ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राइसिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।